अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ ये बोटी का चखना, फेर बोटी का चखना। एक सब्सक्राइबर के ख्वाहिश पर ये रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ एक बोटी, फेर बोटी। ये आंटड़ियाँ हैं, इसके पाइपा और ये बोटी का हिस्सा है। अब इसको सब फर्स्ट इसका प्रोसीजर है साफ़ सुथरा साफ करना। इसको ये एक भगोनी में पानी ले लेना, अच्छा खोलता है वह बॉयल करा हुआ पानी, और इसको छोड़ देना एक मिनट के अंदर। फिर इसको चेक कर लेना, साफ कर लेना। ये पाइपों को पानी में अच्छा बड़े भगोने में और ज़्यादा पानी लेके नल के नीचे पाइपों को ऐसा खींचते हुए पूरे साफ कर लेंगे। फर्स्ट पानी के अंदर धो लेंगे। चलिए अब ये निकाल देंगे, एक मिनट हो गया। अब इसको मैं बॉईल करते हुए उसको पानी में एक मिनट रख के निकाल ली। अब इसको आहिस्ता से इसकी खाल को साफ़ कर लेंगे छुरी से। भाई गर्म रहता है, सूखी बूटे दे के सफाई कर लेना इसकी। और इसको और पानी ये डूबने डूबी तक जितना डूबती है उतना ही पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना। देखिए इसका ये साफ, ये जो ऊपर का खाल जो एक्स्ट्रा रहता वो सब छुरी से, ये बाहर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा, ये जो इसके अंदर का हिस्सा है पूरा साफ़ कर लेना। देखिए ये सब निकलता है आहिस्ता आहिस्ता, इसके गर्म पानी में डालते सेकेंड मिनटों में निकल जाता साफ आता है गर्म पानी में। फिर इसको एक बार डिप करके निकाल लेंगे और एक बार अच्छे से फिर साफ़ कर लेंगे। इसको पूरे बोटी को ऐसे साफ कर लेंगे, इसकी खाल जो ऊपर की परत रहती खाल रहती वो सब निकल के साफ आता। चलिए ये बोटी साफ़ हो गई, इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। अच्छा साफ धुल गया और मैं इसके धुल गया नहीं कट गया, और इसके भी छोटे पीसेस ये पीसेस कर ली, ये साइज के पीसेस करना। ये बड़ा छूट गया एक, ये साइज के पीसेस करना। अब इसमें हम धोने के वास्ते सबसे पहले एक टीस्पून फुल नमक हल्दी और 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए। धोते वक्त ये दो चीज़ें डाल के अच्छा इसको रगड़ के साफ धोना। खाली वैसे धोई तो निशान बहुत रहती। हल्दी और प्याज डाल के इसको अच्छा मत के एक 3 से 4 पानी, 4 पानी में कम से कम साफ धो के निकाल देना। चलिए ये बोटी साफ धुल गई। अब इसके लिए हम ये सेकंड प्रिपरेशन करेंगे। चलिए हमें चाखना के लिए ये चीज, हमको चाखना के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है। नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक लहसुन, हरा मसाला, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और ये मसाले हैं। ये तेज़पत्ता, बोजवार का पत्ता, धनिया का पाउडर, लौंग, शाहजीरा, दालचीनी, काली मिर्ची, कबाब चीनी। अब इसमें हम सबसे पहले नमक 1 टीस्पून है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 2 टीस्पून लाल मिर्ची, ये सब इसमें डाल देंगे। इसमें 2 पत्ते बोजवार के पत्ते 2 डालेंगे गलाने के लिए, और थोड़ा सा हरा मसाला, 1 हरी मिर्ची, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम कुकर में ये चढ़ाएंगे, 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे, इसको बॉईल गलाना है, और इसमें 3 टेबल स्पून फुल ऑयल डाल देंगे। चलिए अब इसको कुकर में डाल के गलाने के लिए तेज फ्लेम पे रख देंगे। चलिए हम अब तेज़ फ्लेम पे मैं कुकर रख दी और इसका ढक्कन लगा देंगे। एक 8 से 10 सीटी होने के बाद, 8 सीटी होने के बाद एक 10 मिनट धीमे पे रखी मैं। चलिए इसको चेक कर लेंगे, अगर ये गल गया तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। चलिए गल गया और थोड़ा सा गलना बाकी है, जितना अच्छा गलना था उतना अच्छा नहीं गला। और एक इसके 5-6 सीटी के लिए लगा देंगे। एक 1/4 गिलास कुनकुना पानी डाल रहा हूँ मैं, इसको 5 से 6 सीटी लगा के चेक करेंगे। 5 से 6 सीटी देंगे इसको, उसके बाद चेक करेंगे। चलिए हमारे 5 से 6 सीटी हो गए, अब इसको एक बार चेक कर लेंगे। चलिए हमारे 5 से 6 सीटी हो गए, अब इसको एक बार हम चेक कर लेंगे।
चलिए अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा गरम नरम अच्छा गल गया, अच्छी गल गई बूटी। देखिए अब इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए ये अच्छा गल गया, अब इसको इसमें हम मसाले डालेंगे, बाकी ये पत्ते जो शुरू में डाले थे निकाल लेंगे। चलिए अब इसमें हम डालेंगे शाहजीरा एक फुल चम्मच शाहजीरे का, और तीन लौंग और दो दालचीनी के चकले, और एक सात आठ काली मोटी मिर्ची, और तेज़पत्ता, और कबाब चीनी एक पाँच छः सात टुकड़े कबाब चीनी के, और दो टीस्पूनफुल धनिया का पाउडर। अब इसमें पानी डालेंगे। ये पानी कुनकुना है, गर्म है, ठंडा पानी नहीं डाल रहा, गर्म पानी डाल। एक टू एंड हाफ पानी इसमें डाल दीजिए। अब नमक वो चख लेंगे हम, और इसमें हरा धनिया, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, दो हरी मिर्च बीज से कटे हुए। अब इसको नमक चख के हम डालिए। अब इसको ये अच्छा बॉईल होना, अच्छा खोलना, उसके बाद इसको गाढ़ा करेंगे। इसमें नमक कम है, वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसको हरा धनिया सब डालें, इसको अच्छा इसको ढाप के एक अच्छा उबाल आने के लिए रख देंगे। एक तीन से चार मिनट अच्छा बॉईल करेंगे इसको, ढाप के अच्छा पकाएंगे इसको। चलिए हमारे एक से दो मिनट हो गए और अच्छा बॉईल हो रहा है। इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा स्लो करेंगे, मीडियम फ्लेम पे। चलिए जवारी का घोल जो मैं बना के रखी, टी स्पून फुल जवारी का आटा लेके इसका घोल बना दी। अब इसमें मिलाते जाएंगे, फ्लेम को तेज़ करते हुए ये घोल डालेंगे। चलिए 3 टीस्पून फुल में जवारी का आटा ली और इसमें पानी मिला के इसका घोल बना ली। चलिए अब इसको धीमे पे 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए ढाप के छोड़ देंगे। चलिए थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल के एक 5 से 7 मिनट के लिए ढाप धीमे पे ढाप के छोड़ देंगे इसको। चलिए हमारे 7 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं और हमारा चाखना तैयार हो गया। अब इसको फ्लेम बंद करके डिश में निकालेंगे। ये तीन से चार टीस्पून फुल डालना जवारी का आटा गाढ़ा, अगर 3 टीस्पून में अगर गाढ़ा नहीं दिख रहा हो, थोड़ा आपको गाढ़ा होना है तो आप डाल सकते हैं, और एक चम्मच ऐड कर लेना, उसका घोल बना के डाल देना। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा टेस्टी बना, आप बराबर ज़रूर ट्राई करिए माशाल्लाह। एक शॉपिंग की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, आप चेक करिए, अच्छे जो आपको समझ में आ रहे हैं आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए हमारी चाखने की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। एक सब्सक्राइबर के ख्वाहिश पर मैं ये रेसिपी तैयार की हूँ, आपको पसंद है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्ची। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।